मैं किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज है सरस्वती पूजा, तो आज मैं बना रही हूँ पुआल जो कि बिहार में बनता है। तो एक सेकंड मैं आपको दिखा ही देती हूँ, पहले मैं पलट लूँ। ये वाला देखिए, ये वाला फट गया है, दिखाने के चक्कर में थोड़ा जल्दबाजी कर दी मैंने। वैसे ये बहुत सावधानी से बनने वाला चीज़ है भाई। थोड़ा सा भी तेल अगर आ गया ना ऊपर, ये तो आपको पता ही है। तो ये है पुआ जो कि होली में भी बनता है हम लोग के यहाँ, और आज सरस्वती पूजा है तो आज के दिन ये बनता है। तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो अभी फटाफट से खाना बनाते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और बात करती हूँ। और ये जो है मेरा पुआ बन के रेडी है। बाय द वे, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने 1 साल पहले होली के दिन जब ये ब्लॉग स्टार्ट किया था तो बनाया था, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और वैसे ही मैंने आज शॉर्ट्स में इसको रिकॉर्ड किया है, तो मैं शॉर्ट वीडियो देखने वाली हूँ, तो आपको उस वहाँ भी देखने को मिल जाएगा जब मैं डालूंगी। पुआ तो बन चुका है और अब बन रहा है आलू गोभी और मटर की सब्जी। और ये डाला मैंने अदरक लहसुन और जीरा और आलू की सब्जी। फटाफट से बनाते हैं इसको भी, ताकि मैं आप लोगों को भी इसको मिलूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ सरस्वती पूजा के दिन कुछ स्पेशल बनता है या फिर नॉर्मल बनता है? क्योंकि बिहार में तो वो कहते हैं कि सरस्वती पूजा जिस दिन रहता है उस दिन से होली का आगाज़ हो जाता है, तो होली के दिन ही पुआ बनता है, इसलिए सरस्वती पूजा के दिन स्टार्ट करता है सब पुआ बनाना। तो मैंने सोचा वैसे भी आज रिपब्लिक डे है, सरस्वती पूजा है, तो डांडी बादाम साइड वाला आइडिया बंद ही रहेगा जब तक ध्वजारोहण नहीं होता है, और ऑफिस जाना तो बंद ही रहेगा दोपहर तक। तो कुछ अच्छा बनाते हैं, तो बस लग गई नदी खाना बनाने में। दोपहर का खाना बन रहा है, अभी दोपहर हुई नहीं है, बट मैं बना ले रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट खुल गई है, आपको सब्जी की पत्ता भी खाना है, थोड़ा सा गर्म मसाला है। आपको क्या लगता है, गर्म मसाला डालने से टेस्ट में कुछ मतलब अच्छे टेस्ट आता है? मेरे ख्याल से तो गर्म मसाला हो ना, बट धनिया पत्ता तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि धनिया पत्ता खाने के पहले ही लेवल में लेके जाता है। आप लोग बताइए, आप लोगों के बीच क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गर्म मसाला या धनिया पत्ता? ये हमारी सब्जी जो है वो बनके रेडी है। देखिए धनिया पत्ता डालने से ही ना सब्जी का शक्ल जो है, ओए होए होए कितना टेस्टी हो जाता है ना, आप बताइए लगता है कि नहीं, एकदम डिलीशियस। बस मेरी सब्जी रेडी है। कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक आरपी लाइफ ब्लॉग। और मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, सारा काम करने के बाद। एक्चुअली हम लोगों का बाहर जाने का प्लान था, बट यहाँ पे बारिश हो गई जिसकी वजह से मौसम ख़राब हो गया, तो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, कहीं बाहर हम लोग गए ही नहीं। और आज सरस्वती पूजा भी है और रिपब्लिक डे भी है, तो दोनों की आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ। मेरे ख्याल से रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा का जो मज़ा है स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में है, वो और किसी टाइम में नहीं है। मतलब इतना फन होता था, इतने सारे प्रोग्राम, इतना सारा मतलब एक्साइटमेंट होता था कि रेडी होना है। हम लोग शादी से पहले जब सरस्वती पूजा होता था तो हम लोग को साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा क्रेज था कि सरस्वती पूजा आने वाला है, हम लोग ये साड़ी पहनेंगे, इसके साथ ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, मतलब वो एक अलग लेवल का ही क्रेज़ होता था। बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, क्या कर सकते हैं। आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे होपफुली। मैं तो शाम को ये वीडियो शूट कर रही हूँ, पूरे दिन टाइम नहीं मिला, मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैं अभी ये शूट कर रही हूँ। और कुछ था नहीं करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि बाहर जाने का प्लान था, तो हम लोग बाहर जाना ड्रॉप कर दिए। और कुछ था नहीं शूट करने के लिए, इसलिए मैंने कुछ और ज़्यादा शूट भी नहीं किया। तो बस मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों से ऐसे मुलाकात नहीं हुई तो मुलाकात कर लेते हैं। और मैंने 2 दिन पहले बनाया था
बेसन की बर्फी एक डिश थी, स्वीट डिश, वो मैंने बनाया था, तो मैं उसकी रेसिपी इस ब्लॉग में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि मुझे हम लोगों को क्या क्या चाहिए। और मैंने क्यों बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, तो बेसन की बर्फी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें बेसन चाहिए। ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, कम लेना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है, इसको डाल लिया है एक बर्तन में। हमें चाहिए घी, क्योंकि कोई भी मिठाई बिना घी के नहीं बन सकते। और मेरे पास ये जो घी है वो किसका है भाई, दिख जा, हाँ ये देखिए आप देख सकते हैं घी, तो आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये घी यूज़ करती हूँ। और हमें चाहिए यहाँ पे 3 चम्मच दूध, और ये दूध आप कच्चा भी ले सकते हैं और उबाला हुआ भी ले सकते हैं। और इसमें क्या करेंगे, हम 2 चम्मच डालेंगे घी और 3 चम्मच डालेंगे दूध, और इसको अच्छे से मसलेंगे, और तब तक मसलेंगे जब तक कि एकदम सॉफ्ट भुरभुरा जैसा नहीं होता है। पहले मैं वो सारी चीज़ें डालती हूँ, उसके बाद आप इसको अच्छे से मसलना है, ऐसे करके 5 मिनट तक आपको ऐसे को मसलना है। आप अगर थोड़ा अच्छे से टाइम देकर इसको मसलेंगे 4-5 मिनट, तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। आप इसको चाहें तो छान भी सकते हैं, बट मैं इसको नहीं छानने वाली हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक कढ़ाई बैठाया है, आप कोई भी कढ़ाई बैठा सकते हैं, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैंने इसमें घी डाला है, घी आई थिंक 4-5 चम्मच तो होगा ही होगा, और मैंने ऑलरेडी इसमें 2 चम्मच घी डाला है, तो इतना इनफ है 1.5 कप आटे के लिए घी। तो इसको हम लोग अब डालेंगे कढ़ाई में और हम इसे अब भूनेंगे, इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें इसे लो फ्लेम पे पकाना है, अच्छे से टाइम लेके इसको भूनना है। सारा जो मेहनत है ये भूनने में ही है, अभी तो ये सोख चुका है अच्छे से घी को, जो हमारा बेसन है, लेकिन जब तक ये अच्छे से घी को न्यू पकाना है और लो फ्लेम पे पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको पकाते हैं। देखिए इसने अपना कलर पूरी तरह से चेंज कर लिया है, और इसको भूनने में मुझे 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा। ये बहुत ही पेशेंस के साथ भूनना होता है, नहीं तो ये जल जाएगा। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, और अब हम बनाएंगे एक चाशनी, जो कि चीनी की चाशनी होगी। तो चलिए इसे हम लोग साइड में रखते हैं और ठंडा होने देते हैं थोड़ी। ये हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। एक तारीख से हम मिलाएंगे अपने इस बेसन में, और साथ ही हम इसे इसमें मिलाएंगे 1 कप दूध। और इसको गैस पे नहीं मिलाएंगे, हम इसे नीचे ही मिलाएंगे, पहले अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद गैस पे बैठाएंगे। तो चलिए फटाफट से इस प्रोसेस, मैंने इसमें चाशनी और दूध अच्छे से डाल दिया है दोनों, और इसको अच्छे से मिला लेंगे, कोई लम्स ना रहे। और अब इसे हम बैठाएंगे गैस पे, और इसे हमें चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये हलवे के फॉर्म में ना आ जाए। कंटिन्यू इसे चलाते रहिएगा, कहीं लगे ना। बस बस अब हम इसे एक प्लेट में सेट करेंगे, फटाफट से इस प्रोसेस को करते हैं। और ये देखिए मैंने अपना हलवा सेट कर लिया है, मैंने इसे रखा था फ्रीज में 1 घंटे के लिए। अब हम इसे कट करेंगे अच्छे से, आप अपने शेप से कट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल की वजह से कट नहीं हो पाएगा, तो पहले मैं कट कर लेती हूँ। ये मैंने कट कर लिया है, मैंने सिंपल सा सीधा सीधा कट किया है। अगर आप चाहें तो आप इसे बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं। और ये रही हमारी बर्फ़ी, जो बहुत ही ज़्यादा देखने में मस्त लग रही है। मैं इसे ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है, ठीक है।